खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने मंगलवार को परिवहन कार्यालय में कार्य का बहिष्कार किया, जिसके चलते लाइसेंस समेत वाहनों से संबंधित सभी कार्य ठप रहे। दरअसल कर्मचारियों का कहना है कि जून माह में रुद्रप्रयाग में हुई दुर्घटना के मामले में परिवहन विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जिसमें 2 मिनिस्ट्रियल व 2 प्रवर्तन कर्मचारी शामिल है। निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर ही मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ और प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सोमवार को भी कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन आज पूरी तरह से कार्य ठप रहा। इसी बीच मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के जिलाधीक्षक नीरज चौहान ने बताया कि 4 दिन तक पूर्ण कार्य बहिष्कार के बाद भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे, रणनीति बनाएंगे उसके लेके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को सबको ज्ञात है कि पिछले 15 जून को जो ट्रेवलर रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कि बाद में ओवरलोडिंग पाई गई थी और एक ड्राइविंग लाइसेंस उसका नहीं था, मगर जो हमारी चेक पोस्ट चलती है वो डबल शिफ्ट में चलती है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसमें चलती है। जो हमारे कर्मचारी हैं उसमें 2 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और 2 प्रवर्तन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद, आश्वासन के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है प्रवर्तन कार्य जो बहुत दुष्कर होता है, चाहे हमारे प्रवर्तन दलों द्वारा किया जाता है, कहीं पर भी चेक पोस्ट में किया जाता है। ये मामला है कि 15 जून को एक ट्रैवल एजेंट से एक ट्रैवल गाड़ी थी जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोग हताश हो गए थे और कुछ की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। हमारे वहाँ पे सोनप्रयाग के पास एक चेक पोस्ट है जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें एक मिनिस्ट्रियल और दो मिनिस्ट्रियल कार्मिक और 3 इसमें सिपाही थे, जिनको आनन फानन में सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया बिना जाँच किए। हम उसी के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं की बहाली के लिए। हमारा 3 दिवसीय 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था और अब हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हम चले गए हैं। बस मेरा नाम रोहित मेलकानी है। 15 जून 2024 को जो रुद्रप्रयाग में घटना हुई थी, उसके बाद हमारे 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो जिस कारण हम बहुत दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह विरोध अपना जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, हमें आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक कोई हमारी मांग स्वीकार नहीं गई है, इसलिए हम आज पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया है।